Hello guys, so let's go ahead with the lecture number 3, after continuation of lectures 2. In lecture 2 we learned the trigonometric ratios. हमने बात करी थी ratios क्या क्या होते हैं, कि जैसे कोई triangle होता है तो उसमें sine cos tan के बारे में हमने पढ़ा था. और sine cos tan क्या होते हैं, कि they are just a ratio of the रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. या तो परपेंडिकुलर या बेस का रेशियो होता है, या हाइपोटेन्यूज या बेस का रेशियो होता है, या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, या बेस हाइपोटेन्यूज का. तो दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिनके जिनके वो वैल्यूज होती हैं. तो जो साइन कॉस या टेन हम निकालते हैं वैल्यूज, जैसे मान लेते हैं कि साइन निकाला हमने, सपोज साइन ए निकाला, तो साइन ए की वैल्यू को जो निकल के आती है वो कुछ ऐसी निकल के आती है. अगर आप प्रैक्टिकल कोई एक ट्रायंगल ले लो, तो मान लेते हैं कि दैट दिस इज 3 यूनिट्स एंड दिस इज 2 यूनिट्स एंड दिस इज कितना हो जाएगा ये, अगर इसकी बात करें तो. चलो एक इसको हटा देते हैं, एक आसान से उसको ट्राइंगल लेते हैं. सपोज दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ओके, तो अब अगर मैं बात करूँ साइन ए की, तो साइन, अगर दिस इज एंगल इज ए, देन साइन ए विल बी 3/5. तो इसकी वैल्यू जो आती है दैट इज समथिंग 0.6, राइट. तो किस एंगल के लिए ये जो वैल्यू है वो 0.6 होती है. 6.6 वैल्यू तो आ गई, डेफिनेटली कुछ एंगल होगा राइट, उसके लिए ही ये वैल्यू आ रही होगी, वो 0.6 आ रही होगी. तो अभी हम बात करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल्स वैल्यूज की बात करेंगे, कि किन किन वैल्यूज के लिए क्या क्या वैल्यूज होती है, किस एंगल के लिए क्या वैल्यू होती है. सो लेट्स टेक आउट दिस वन. तो अभी क्या करा है, उन्होंने कुछ एक टेबल दे रखी है आपको, कि जैसे कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है, राइट, व्हेन दिस इज साइन ए, एंगल ए इज साइन जीरो, साइन जीरो पे होती है इसकी वैल्यू जीरो. व्हेन साइन इज 30 डिग्री, देन दैट इज 1/2, दैट इज वी कैन राइट इट एज 0.5. 45 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/√2. साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज √3/2. एंड साइन 90 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1. क्लियर. साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1. और मैं आपको बता दूं कि आपको ये टेबल की पूरी याद करनी है. यू हैव टू मेमोराइज इट. हाँ, आप उसका कोई शॉर्टकट निकाल सकते हो कैसे याद करनी, बट हाँ, फाइनली आपको याद करनी ही है, दैट इज नो अदर वे. ठीक है, लेकिन थोड़ी सी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. साइन 0 0 होता है, काफ़ी आसान है. 1/2 इज साइन 30 इज 1/2, 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1. साइन कॉस 0 जो होता है, कॉस, हियर इज कॉस एंड दिस इज 0, तो कॉस 0 इज 1. अगर ध्यान दो तो ये यहाँ पे ये 1 जो है वो इधर आ जाता है सीधे सीधे. ठीक है, ये √3/2 वापस इधर, यहाँ पे 1/√2, ये 1/√2 इधर आ गया, और ये 30 ये आ गया अपना इधर 1/2 एंड साइन 0 इज 0, दिस इज 0. तो नहीं, मतलब यही वही सी वैल्यू रिपीट हो गई है. ठीक है, तो साइन 0 इज 0, 30 1/2, 45 √2, 60 √3/2, साइन 90 इज 1. अब भी आप इसको याद कर लो मेरे साथ ही, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल होगी. मैं आपको ध्यान मतलब से बता दूं, बिकॉज आपने पिछले 2 लेक्चर करे होंगे तो आपने सिर्फ ऐसे ही देख लिए होंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप कॉपी और पेन लेके बैठो मेरे साथ, और जैसे मैं करता जा रहा हूं उसके साथ साथ करते रहो. ठीक है, तो फटाफट लेक्चर पॉज करो और पहले कॉपी और पेन लेके आओ. ले आए, नहीं लेके आए ना, पहले लेके आओ, फिर हम आगे बात करेंगे. ले आए, ओके, चलो बात करते हैं. मैं मान लिया कि आप लेके आ गए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली. तो अब आगे बात करते हैं. ये सारी चीज़ें निकाल लिया आपने यहाँ तक. टैन जो होता है दैट इज एक्चुअली साइन डिवाइडेड बाई कॉस. टैन ए साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, यानी कि साइन टैन जीरो की जो वैल्यू होगी दैट विल बी साइन जीरो अपॉन टैन जीरो, सॉरी साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो. साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो विल बी 0/1, दैट इज 0/0. ठीक है, सॉरी 0/1, दैट इज 0. टैन 30 की बात करेंगे तो टैन 30 विल बी साइन 30 अपॉन कॉस 30, राइट, दैट इज व्हाट, 1/√2, 1/2
2 डिवाइड बाई रूट 3 बाई 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, दैट्स कम्स एज 1 बाई रूट 3. सो दैट्स इट हियर, यू सी हियर देन दिस इज 1 बाई रूट 3. अब अगर आप निकालो इसका 45 tan 45 क्या होगा, साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल कम एज 1. टेन 60 कैसे निकालेंगे, रूट 3/2 डिवाइड बाई 1/2, अगर आप इसको इधर लिख लो, सो दैट इज रूट 3/2 डिवाइड बाई 1/2, यहाँ से 2 और 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया, दैट इज कमिंग एज रूट 3. सो हियर इट इज रूट 3, राइट, दिस इज रूट 3. और 1/0 की जो वैल्यू होती है दैट इज अनडिफाइंड, समटाइम्स वी राइट इट एज इन्फिनिटी. तो आप कुछ कहीं कुछ बुक्स में इन्फिनिटी लिखा हुआ है, किसमें अनडिफाइंड लिखा हुआ है, बट आई विल रिकमेंड एज नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड. तो 1/0 करोगे दैट विल कमिंग एज नॉट डिफाइंड. बाकी की जो वैल्यूज है cos x sec cot a दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ, ये बाकी की जो तीन वैल्यू है उनका सबका रिवर्स हो जाएगा. मान लो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो साइन का उल्टा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जैसा कि अभी हमने करा, ये यहाँ पे 1/2 था, 1/2 का अगर उल्टा करोगे दैट विल बी 2/1, राइट, 2/1 दैट इज राइट एज 2 ईयर, दैट इज 2 ईयर. यहाँ पे आप 1/√2 था, उल्टा करा हमने रूट 2, दैट इज रूट 3/2 का उल्टा करा, सो दैट इज 2/√3. सिमिलरली 1, हियर इट इज 1 का अपोजिट 1 ही होगा, कोई उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल लिखते रहें से पहले, रूट 3/2, 2/√3, 1/√2 हियर, दैट इज रूट 2, और सब ऐसे ही होते चले गए. सो दे आर नॉट टू टफ. टेक कॉट, कॉट इज जस्ट रिवर्सल ऑफ टेन, सो दैट इज नॉट डिफाइंड. 1/0, 1/√3 इज रूट 3, 1 इज 1, सो दैट्स हाउ वी जस्ट डू इट. अब मैं आपको थोड़ा सा, तो सबसे जो मुश्किल काम है, मुश्किल क्या एक तरह से जो आपको जो याद करना है, वो जो याद करना है दैट इज दिस इज द टेबल. अगर आपने पहली लाइन इसकी याद कर ली तो बाकी सारा इसी से निकलती हुई चली आती है, करेक्ट, ये तो आप समझ ही गए होंगे. तो मैं क्या करता हूँ, पहली लाइन कैसे याद करनी है वो आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, कैसे आपको पहली लाइन याद करनी है. तो पहले तो एंगल लिख लेते हैं ऊपर, 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. इन्हीं पांच वैल्यूज के लिए हम सिर्फ स्पेसिफिक याद करते हैं, बाकी के लिए अभी फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, होती और के लिए भी है, लेकिन फिलहाल मेमोराइज जो करनी है आपको इन्हीं पांच के लिए करनी है, बाकी मुश्किल है, सबकी वैल्यू आज आप याद नहीं कर सकते. तो दिस इज साइन ए, तो साइन 0 पहले क्या करो आप इसका, सब कैसे लिख लो, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने. इसके बाद सब में क्या करो, 4 से आप डिवाइड कर दो. दिस इज जस्ट ट्रिक्स, नथिंग एल्स, टू रिमेंबर द वैल्यू, नथिंग एल्स, कैसे आप याद रखोगे, ठीक है. और इसके बाद इनका स्क्वायर रूट, ये कोई रूल नहीं है, दिस इज जस्ट थम रूल, मैं आपको शॉर्ट रूट बता रहा हूँ, ऐसा किसी बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या कहीं हो सकता है ना मिले ही ना, तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, और यूनिवर्सल रूल भी नहीं है, ठीक है. सो जस्ट डोंट फाइंड इट, नहीं ये ऐसा ही होता है, दिस इज जस्ट थम रूल, हमारा अपना पर्सनल है, मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया और आपको वैल्यूज याद हो गई, बस दैट्स इट. किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हो, किसी भी वैल्यू से आप 0 को डिवाइड करते हो तो आंसर आता है आपका 0, राइट. इसमें आप करोगे तो दैट इज कमिंग एज 1/√4. 1/√4 क्या होता है, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. यहाँ पे बात करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 दैट्स कम्स एज 1/√2. यहाँ पे अगर आप करोगे तो पहली वाली तो ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगी रूट 3, और इस रूट 4 का हो जाएगा स्क्वायर रूट एज 2. यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल रिमेन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज 1. तो अब वैल्यू आपके पास आ गई 0, यहाँ से दैट इज 1/2 एंड दिस इज 1/√2 एंड दिस इज रूट 3/2 एंड दिस इज 1, ठीक है. तो ऐसे करके आप फर्स्ट लाइन तो आप एक तरह से मान लो आपको याद ही हो गई. क्या करोगे आप पहले, सबसे पहले हम लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4,
फिर सब में 4 से डिवाइड कर दिया, एंड देन जस्ट वी हैव टेकन स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द वैल्यूज, ठीक है, एंड यू विल गेट दीज रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूँ कि आप ये चीजें नहीं भूलोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करा देता हूँ ये, ठीक है, ताकि आपको एकदम कुछ गड़बड़ ना हो। तो क्या क्या वैल्यूज होंगी, इधर कहते हैं साइन वैल्यूज होंगी 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। साइन की बात करें तो साइन साइन विल बी, बेसिकली आपको याद होगा होगा, दिस इज 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज √3/2, दिस इज S1, ठीक है। कॉस की बात करें तो कॉस में क्या हो जाता है कि उल्टा आना स्टार्ट होता है, यहाँ से आप 90 वाला, यानी कि जो साइन का 90 होगा वो इधर 0 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज ऐसे आती जाएंगे, ऐसे इस लाइक दैट ऐसे आती चली जाएंगी, इधर आ जाएगा आपको ऐसे, ठीक है, और ऐसे इधर होते चले जाएंगे। सो साइन 0 दिस इज 1, ये जो वैल्यू है √3/2 वो इधर आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज दिस वन √3/2, ये यहाँ पे ऐसे कैसे इट इज 1/√2, ये 1/2 इधर आ गई, दैट इज 1/2 और ये यहाँ पे दैट इज 0, ठीक है। टेन, वट इज टेन, टेन ए इज साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो आप इसके बीच में एक लाइन खींच दो ऐसे सीधे, और 0 0/1 दैट इज 0, जो हो जाएगा आपका 1/2, वैसे ही याद कर लेता हूँ, ये 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, दैट इज कमिंग एज √3, ठीक है, यहाँ से √2 √2 कैंसिल हो गया, दैट इज कमिंग एज 1, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, दैट इज कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा दिस इज 1/√3, ठीक है, एंड दिस इज √3 एंड दिस इज अनडिफाइंड, ओके। अब आप कॉट लिख लो यहाँ पे, कॉट कॉट इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो इसको इधर ले आओ ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो, और या फिर इसी का रेसिप्रोकल कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, दैट इज अनडिफाइंड, दिस इज √3, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 इधर उल्टा हो जाएगा √3, 1/1 करोगे 1 ही हो जाएगा, ये √3 1/ करोगे तो 1/√3। नेक्स्ट इज सेके, सेके इज इक्वल्स टू 1/cos, यानी कि 1/1 दैट इज 1, इसका उल्टा करोगे 1/√3/2 इज 2/√3, इसका करोगे आप तो दैट विल कमिंग एज √2, दिस विल बी कमिंग एज 2 एंड दिस इज व्हाट, किसकी उल्टा कर रहे हैं, sec, sec is cos, 1/0, 1/0 इज अनडिफाइंड। सिमिलरली वी एडजस्ट टू cos sec इज रिवर्सिबल ऑफ साइन, सो दिस विल बी अनडिफाइंड दिस वैल्यू, बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड, दिस इज 1/1/2 दैट इज 2, दिस इज √2, 1/1/√2, दिस इज 1/1, so that is coming as 2/√3, and this will be coming as 1. Clear? I hope now you will not forget these values. If you still forget, then practice is make a table in your notebook and practice it 2 or 3 times. Definitely you will not forget. And if you do not practice and don't remember these values, nobody can help in your exams. Nobody can help. So, बात मानो मेरी और याद कर लो इनको। चलो इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, इन्हीं वैल्यूज पे बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, ओके। सो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ओके, राइट एंगल एट बी दैट इज सीन हियर, ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दैट्स रिटन हियर, नो प्रॉब्लम, and angle ACB is 30 degree, that's also very good, determine the length of side BC and AC, अब हमें निकालना है BC और AC, ठीक है, BC,
Now we have to find out BC. BC अगर angle 30 लेंगे हम कुछ भी, so this will be our base. This is our perpendicular. ठीक है, and this is our hypotenuse. कुछ भी वैल्यू ले लो, अगर आप tan A की वैल्यू ले लो, tan 30, या इनफैक्ट अभी tan C की बात करें, tan C के केस में हो जाएगा perpendicular upon base. ठीक है, तो tan C is tan 30 degree, base is 5 centimeter, sorry, perpendicular is 5 centimeter, base we have to calculate or we can write it as BC. ठीक है, so tan 30 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको टेबल याद कराई, that was as 1 by root 3 and this is 5 divided by BC. So here it comes BC is equals to cross multiplication कराएंगे, so BC will be equals to 5 times of root 3. ठीक, and just make it right in the centimeter. Now you have to find out this hypotenuse. So in which of this trigonometric ratios this perpendicular and hypotenuse is correlated? तो वो होता है हमारा sine के ratio में. अगर आप sin c ले लो, तो in case of sin c it will be perpendicular upon hypotenuse. ठीक, तो this will be sin 30 degree, perpendicular is our 5 and hypotenuse we have to calculate, that we can write it as AC. sin 30 की वैल्यू आपको अभी पीछे टेबल में हमने करी, that was 1 by 2, that is equals to 5 by AC, which gives you value as cross multiplication कराएंगे आपने, so that is coming as AC is equals to 2 into 5, that is 10 centimeter. Clear? So there is not too tough questions, there are simple questions that we are going to do. So I left that, I thought that this will have lot of calculation, but by chance it has no calculations. Now switch to the next example, that is in triangle PQR, right angled at Q. Okay, that's fine. And PQ is equals to 3 centimeter, that's nice. PR is equals to 6 centimeter, that is here. And determine the angle QPR. QPR is this angle. Okay. And PRQ, this angle. And we have to calculate this angle P and angle R. So let's calculate these values. So before calculating these values, I have want to determine the value of this QR. So we can apply Pythagoras theorem in this question. And the Pythagoras theorem says, hypotenuse square, hypotenuse is PR square, that is equals to base square, base is our QR here, plus perpendicular square, perpendicular is PQ here. Clear? So PR is 6 here, 6 square, that is equals to QR. QR you have to calculate, PQ is 3 square. So here it comes as 36 is equals to QR square plus 9 QR square will be equals to 27. Right? How you just get 27? That is 36 minus 9. So QR square will be coming as 27. And QR comes as root of 27, which can be written as 3 root 3. Fine. So now we have got all the sides. Clear? I have less space, so let's take this corner first. Okay. And I want to solve in this corner. First we have to calculate angle QPR. QPR means angle P. Angle P, if you want to calculate this angle, so angle P will we can take this as
reference angle P. So the side in front of this angle that will be treated as perpendicular, and this will be treated as base. So we can take the values as tan P. Tan P will be perpendicular upon base. Perpendicular हमने निकाला है अभी 3 to 3, और बेस जो है ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 3 सेंटीमीटर. सो दैट्स कम्स एज √3. टैन पी जो हो गया आपका है √3. अब √3 टैन की किस वैल्यू के लिए होता है? √3 कब होता है? टैन टैन में कब होता है? चलो टेबल देख लेते हैं. √3 tan में, right? So where is the tan here? This is our tan. तो tan में √3 होता है यहाँ पे. This is our √3. √3 tan कहाँ होता है? Tan 60 में, right? Tan 60 में होता है हमारा ये √3. So you इसकी value लिखेंगे, that will be right as tan 60. So tan P is tan 60, so we can write it as P is equals to 60 degree. अब मैं आप एक बार बता दूँ आपको कि कुछ कुछ लोग tan tan cancel कर देते हैं. So that's not good thing कि आप tan tan ऐसे cancel कर दो. जैसे मैंने भी कुछ value cut कर दें हैं कि x upon x square लिखा है, तो आप x x cancel कर देते हो. तो like that you cannot cancel this tan and tan, because I have already said you ये tan और p multiplication में नहीं है. So that's why you don't show like this that you have cancelled this one tan tan. हाँ, p is, if tan p is equal to tan 60, then definitely p will be equal to 60, but ऐसे cancel करना is not good thing. या मतलब आप शो नहीं करना. शो क्या मतलब? गलत ही है तरह से करना. कुछ लोग कर देते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड दैट वन. लेट्स कैलकुलेट एंगल आर. एंगल आर में फिर वही लगा देंगे, टैन आर. आप सोच रहे हो सब टैन टैन ही क्यों लगा रहे हैं? यार मेरे को ना टैन अच्छा लगता है. वैसे जरूरत भी नहीं थी आपको, ये क्यू आर ना भी निकालते तब भी आप दो साइड से ही एंगल निकाल सकते थे, बट मुझे टैन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं टैन यूज कर लेता हूँ. अब एक बार हाइट एंड डिस्टेंस करोगे ना, तो आपको भी टैन बहुत अच्छा लगने लगेगा. यू विल लव टैन टैन. कोई बात नहीं. करते चलो. टैन टैन आर विल बी इक्वल्स टू, नाउ इन केस ऑफ व्हेन वी टेक दिस टैन आर एज रेफरेंस एंगल, देन दिस विल बी एज परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी अवर बेस. सो नाउ यू कैन राइट इट एज परपेंडिकुलर इज, वी कैन राइट इट एज पी क्यू, एंड बेस इज एज QR. So PQ is 3, and base we have just calculated as 3 √3. So that comes as 1/√3. यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा. So tan R is 1/√3. ठीक है. अब tan की किस वैल्यू के लिए जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, किस एंगल के लिए? तो अब मैं फिर से टेबल देखने नहीं जाऊँगा, आपको दिखाने भी नहीं जाऊँगा, आपको बता देता हूँ कि ये होती है tan 30 के लिए. ठीक है. तो tan r, tan 30 is 1/√3, hence r will be equals to 30 degree. So that will be your answer. ठीक है. Let's go to the next question. Next question says as if sin a minus b is equals to 1/2, cos a plus b is equals to 1/2. And if a plus b is equals a plus b is less than 90 degree and a is greater than b, find a and b. Okay, let's sort it out first. पहला काम तो ये करता हूँ मैं कि इसको लिख देता हूँ ऐसे, साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/2. साइन की किस वैल्यू में जो वैल्यू होती है, साइन की किस एंगल के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2. सो आई जस्ट टेल यू, इफ यू हैव इन द माइंड द टेबल, देन यू विल सिंपली कम टू नो दैट दिस इज फॉर द 30 डिग्री. क्लियर? सो फ्रॉम दिस कंपेयरिंग दीज टू टर्म्स, यू सिंपली गेट इट एज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है. दूसरा जो आपके पास चीज थी वो थी कॉस ए प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2. कॉस में 1/2 कब होती है वैल्यू? दैट इज फॉर द कॉस
60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू अगर दोनों टर्म्स आप कंपेयर करो, कॉस ए प्लस बी और कॉस 60। हाँ आप देखो, जो इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप ये वैल्यूज याद कर लो, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, तो वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है। चलो अभी आप मतलब प्रैक्टिस करो, तो बिकॉज आपकी आपकी इंट्रोडक्शन है, शुरू में है, तो आप ठीक है टेबल भले ही पन्ने पलट के देख लो, बट बार बार पन्ने पीछे पलट के देखना बुक में अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप ऐसे पन्ने पलटते रहोगे तो एग्जाम में आपको पन्ने पलटने को नहीं मिलेंगे और आपके क्वेश्चन रह ही जाना है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सो नहीं मिलेंगे। तो प्लीज एंड प्लीज आई एम सेइंग वंस अगेन, आप ये वैल्यूज याद कर लेना, अगर नहीं याद करोगे तो सिर्फ रोगे बैठे पेपर में और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा ऐसे 60 डिग्री। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी हैव टू इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक। तो एक तरह से टू वेरिएबल इक्वेशंस बन गए आपके पास, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं यहाँ पे, सो दैट विल बिकम एज 2ab भी कैंसिल हो जाएगा आपका, 2a हो जाएगा आपका 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। अगर ए 45 डिग्री हो गया तो बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी जो है दैट इज 60 डिग्री, यानी कि इसकी जो वैल्यू है एक ही वो मैं रख देता हूँ इक्वेशन टू में। तो ए प्लस बी 60 डिग्री, ए इज 45, सो प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, सो बी कम्स एज 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो इन्होंने बोली हैं, ए प्लस बी इज 90 डिग्री, तो अगर आप ए और बी को ऐड करोगे तो दैट इज लेस देन 90 डिग्री, 0 90 के बीच में है, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करने चाहिए, तीन एग्जांपल आपकी बुक में थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको करनी है एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व आउट द एक्सरसाइज 8.2, आप इसके क्वेश्चंस करो, और करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा कल या परसों में, ठीक है। तो कल या परसों से पहले पहले आप एक्सरसाइज फिनिश कर लेना, अगर आप कुछ डाउट्स आते हैं एक्सरसाइज में तो आप इसी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो मेरे को, तो मैं नेक्स्ट जब लेक्चर लूंगा तो पहले वो क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर दूंगा, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन चलो करके बता देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा सा लग रहा होगा, है ना, जो यार कितना मुश्किल सा सवाल है, तो चलो इसको करवा देता हूँ मैं आपको। तो इसको करूँ तो ये हो जाएगा 5 cos 60, cos स्क्वायर 60 जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं हम, cos 60 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30 स्क्वायर माइनस 10 45 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ऐसे, sin 30 स्क्वायर प्लस cos 30 स्क्वायर, क्लियर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी तो आपने याद ही नहीं किया है, चलो पन्ने पलट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30। अब sec 30 तो आपको याद नहीं होगा, तो cos sec, जब भी sec की बात आए तो पहले cos की याद करो, तो cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, √3/2, हम √30/2 का उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 ऊपर 3 नीचे, सो दैट विल बी sec 30, सो दैट इज 2/√3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 45, 10 45 इज 1, sin 30 इज अगेन 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 इज √3/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 1/2 स्क्वायर इज 1/4
as 4 multiplied by, this will be 4 by 3, right? 2 ka square ho jayega 4, root 3 ka square ho jayega 3, minus 1 divided by 1 by 2 square, it will be 1 by 4, plus this will be 3 by 4, ठीक है? अब सारे अब ये सॉल्व करना आता होगा मुझे लग रहा है कि कौन कौन से बॉर्ड मास लगाते हैं उसमें बॉर्ड मास में जो रूल्स होते हैं वही हम फॉलो करेंगे तो उसमें होता है पहले मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट विल बी 5 बाय 4 प्लस 16 बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम हो गया यहां पे दैट विल बी 1 प्लस 3 ठीक इसको इधर लिख लेते हैं ऊपर एलसीएम हो जाएगा आपका 12 सो दैट विल बी 15 यानी कि 3 मल्टी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 15 प्लस यहां पे एलसीएम होगा तो 4 इनटू 16 दैट इज 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 बाय 4 4 बाई 4 तो यानी कैंसिल हो गया ये हो जाएगा आपके पास 15 में से 12 के बचे 3 दैट इज 67 डिवाइडेड बाय 12 आंसर आ रहा है आपका 67 बाई 12 ये नहीं आ रहा अगर नहीं भी आ रहा हो तो प्लीज डोंट माइंड हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी हो बट करना आंसर ऐसे ही है ठीक है अगर आ रहा हो तो भी ठीक है नहीं आ रहा हो तो फिर भी ठीक है बस मेक श्योर अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे और प्लीज डू प्रैक्टिस द क्वेश्चन नंबर दिस एक्सरसाइज 8.2 ये फिनिश करने के बाद मैं कल परसों आपको मिलता हूँ और हाँ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले उससे क्या होगा कि आप जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिल जाएंगे Thank you guys. Now this is a end of fly slope.